नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, अमेरिका के एक फेडरल जज ने व्हाइट हाउस को सीएनएन के पत्रकार जिम ऑगस्टा के प्रेस प्रमाण पत्र को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज टिमोथी कैली ने शुक्रवार को वाशिंगटन मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, भ्रष्टाचार के मामले का सामना कर रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कोर्ट में स्वीकार किया कि विदेशों से जो धन उन्हें मिला था उन्होंने उसमें से 70% अपनी बेटी मरियम नवाज को उपहार में दे दिया था। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के चुनावी रैली में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने जनता से किया वादा पूरा नहीं किया है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते, हम अपनी बातों से नहीं मुकरते और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। जेटली ने कहा कि उनके पास विकास की कोई नीति नहीं है। इसके साथ ही जेटली ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में एमपी के जनता का जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कोई चर्चा नहीं होती थी। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को कांग्रेस पार्टी ने अपने पहले लिस्ट में 152 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार कटौती का सिलसिला आज भी जारी रहा और दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 19 पैसे की कटौती की गई, जिससे पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 76.91 और डीजल की कीमत 71.74 रुपए रह गए हैं। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दाव खेलते हुए राजस्थान के झालरापाटन सीट से मानवेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि झालरापाटन सीट से आज ही वसुंधरा राजे ने अपना नामांकन दाखिल किया था। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आप नेता अरबन नक्सलियों के बड़े उदाहरण हैं। इसके साथ ही तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गुंडों के हाथों में चली गई है। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, यूपी की राजधानी लखनऊ में झूलेलाल वाटिका में कमल संदेश यात्रा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का मंच टूट गया, जिससे मंच पर अफरा तफरी मच गई और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को अपना भाषण बीच में छोड़कर मंच से नीचे उतरना पड़ा। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, राजधानी दिल्ली को बारिश के बाद प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिल गई है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से प्रदूषण लेवल धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं, जो खराब और अत्यंत खराब के श्रेणी में पहुंचने वाला है। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के खासम खास वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष राममूर्ति मिश्रा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, रोहतांग सुरंग को सप्ताह में एक बार आवाजाही के लिए शुरू करने को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वह केंद्र सरकार से इसके लिए बात करेंगे। आपको बता दें कि अगर रोहतांग पास शुरू हो जाती है तो सर्दियों में हेलीकॉप्टर की उड़ानों पर होने वाले खर्च में 12 से 14 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखर ने बादलों से एसआईटी द्वारा पूछताछ करने पर कहा कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनकी जांच होनी चाहिए क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आपको बता दें कि बेअदबी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सुखवीर सिंह ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए थे।
और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, जो हमें प्रेरित करती है और संकुचित दायरों से ऊपर उठकर ही विश्व मानवता का कल्याण संभव है। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद सोहिल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहली बार मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं और इसको लेकर जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह राष्ट्रपति सोहिल को मालदीव के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से भरोसा दिलाएंगे। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक परिवार के अलावा किसी दूसरे नेताओं को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने के चैलेंज पर पलटवार करते हुए कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की याददाश्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के 15 से अधिक ऐसे अध्यक्ष हुए जो गांधी परिवार के नहीं थे। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रहे घमासान के बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस बीच सूत्रों की माने तो पार्टी चीफ उपेंद्र कुशवाहा आज एनडीए से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है। सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ जांच करने के बाद सीवीसी ने अपनी जांच में एजेंसी के अनेकों अनियमितताओं का खुलासा किया। आपको बता दें कि सीवीसी ने कोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर आरोपों में जांच की बात कही है। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए गंभीर चर्चा जोर पकड़ रही है और इसके साथ ही आरएसएस हिंदुत्व जागरण नोटबंदी और नोटा के विषय में जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है। छत्तीसगढ़ के चुनावी जनसभाओं में संबोधित करते हुए राहुल गांधी द्वारा किसानों के कर्ज माफी पर भरोसा करके प्रदेश के कई सारे किसान धान बेचना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार आने पर 10 दिनों में कर्ज माफी की बात कही थी। और बड़ी खबरों में 21वें नंबर पर है। भगवान अय्यप्पा स्वामी के दर्शन के लिए सबरीमला जा रही संघ परिवार की वरिष्ठ नेता केपी शशिकला की गिरफ्तारी के विरोध में दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने केरल सरकार पर सबरीमला मंदिर को नष्ट करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए हड़ताल का आह्वान किया है। और बड़ी खबरों में 22वें नंबर पर है। ब्रिटेन की एक अदालत ने क्रिकेट फिक्सिंग के आरोप में संजीव चावला के केस में अपना फैसला सुनाते हुए तिहाड़ जेल को बेहद सुरक्षित करार दिया है। ऐसे में भारत सरकार मानती है कि अदालत का यह फैसला मालिया के प्रत्यर्पण के लिहाज से अहम साबित हो सकता है। और बड़ी खबरों में 23वें नंबर पर है। उग्रवादियों और अलगाववादियों के बंद के आह्वान के बावजूद कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव के पहले चरण में औसतन मतदान हुआ। आपको बता दें कि पूरे राज्य में पंचायत चुनाव 9 चरणों में पूरी होगी। और बड़ी खबरों में 24वें नंबर पर है। पत्रकार खगोशी मामले में बड़ा खुलासा करते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इसके पीछे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ बताया है। और बड़ी खबरों में 25वें नंबर पर है। टाटा समूह द्वारा संकटग्रस्त जेट एयरवेज के अधिग्रहण की कोशिश के बीच अब सरकार ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल सरकार चाहती है कि टाटा जेट एयरलाइन को संकट से उबार ले ताकि जेट एयरवेज की वजह से लोगों की नौकरियां न खत्म हो। और बड़ी खबरों में 26वें नंबर पर है। भारत में डायबिटीज के रोगियों की बढ़ती संख्या के बीच एक शोध में खुलासा हुआ है कि डायबिटीज के रोगियों में आंखों में रेटिना का रोग जल्दी फैलता है और इस शोध के मुताबिक मधुमेह के ऐसे रोगियों को रेटिना पैथी हो जाता है जिससे दृष्टिहीन होने का खतरा 25% तक बढ़ जाता है। और बड़ी खबरों में 27वें नंबर पर उन लोगों के लिए अच्छी खबर जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस के विभिन्न पदों के लिए 49,568 भर्तियां निकाली है और इसके लिए योग्य उम्मीदवार 8 दिसंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
और बड़ी खबरों में 28वें नंबर पर है। 21 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में भारत के साथ होने वाली भिड़ंत को लेकर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने ऑस्ट्रेलिया को अहम सलाह देते हुए कहा कि अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम विराट कोहली के कहर से बचना चाहती है तो अच्छा होगा कि वे चुप ही रहकर खेलें। और बड़ी खबरों में 29वें नंबर पर है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड के साथ बॉलीवुड में कदम रखने वाली टीवी की नागिन एक्ट्रेस मोनी रॉय ने महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर कहा कि ब्रह्मास्त्र में उनके साथ काम करने के बाद अब वो जीवन में और किसी चीज की इच्छा नहीं रखती हैं। और बड़ी खबरों में 30वें नंबर पर है। अपनी फिल्मों में होने वाली आलोचनाओं को लेकर महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्हें आलोचनाओं से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दर्शक उनके रचनात्मक कार्य को देख रहे हैं। बुरा तो तब होता है जब दर्शक फिल्म देखे ही नहीं। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।